अगला प्रश्न मधुबनी से काजल झा दीदी जी का है। जी महाराज जी, हमारे यहाँ की परंपरा के अनुसार हम लोग माता जी की दीक्षा लेते हैं। जी हमने भी दीक्षा माता जी की ली है, लेकिन हम राम जी की भी पूजा करते हैं। आप जी भी सुना है कि किसी एक का भजन करते रहने से सब कुछ प्राप्त होता है। जी क्या हमारी परंपरा आपके अनुसार सही है? महाशय है, श्री सीताराम जी एक इकाई है, श्री राधा कृष्ण जी एक इकाई है, भवानी शंकर माँ और बाबा एक इकाई है, जैसे पति पत्नी एक इकाई है, पत्नी अलग इकाई नहीं है। आजकल तो सब पढ़ी लिखी माता लोग पत्नियां बहुत बुद्धिमान हो गई हैं, पति पत्नी एक का इकाई है, पिता पुत्र दो इकाई नहीं है, जैसे तारकेश्वर मिश्र और प्रेम भूषण महाराज एक इकाई है। यदि आप सोचते हैं तो आप बुद्धि के वृंदावन हैं, पिता पुत्र एक इकाई है, आत्मा वही जाए तो पुत्र। मनुस्मृति कहती है पत्नी पति का प्राण तत्व है, इसलिए उसको क्या कहते हैं प्राण प्यारे, और उसको क्या कहते हैं प्राण प्यारी, प्राण के समान प्रियतमा कौन है, अतः पत्नी। तो दो इकाई है ही नहीं है, तो श्री सीता मैया का करो तो राम जी का पूजा हो जाता है, राम जी का करो सीता मैया का पूजा हो जाता है। गीरा अर्थ जल बीच सम, गीरा मने वाणी और उसका अर्थ, जल और उसकी लहरें, गीरा अर्थ जल बीच, बीच मने लहरें, दोनों एक है, बोलेंगे तब ना अर्थ निकलेगा, अर्थ निकलेगा इसका मतलब बोला गया है। पानी है तो लहरें हैं, लहरें हैं इसका मतलब पानी है। किरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधव सीता राम पद नहीं परम प्रिय खिन्न। यही तो मैं कोई कथावाचक बोले थे अन्यथा तो उनकी टाइट किया परसों नरसों मैंने। सीता मैया का हरण बता दिए, सुंदरता हरण, उसमें मूर्ख चक्र चूड़ामणि को यह नहीं बोध है कि माँ का कोई हरण नहीं सकता है। और माँ आपको एक नई बात बता दूं, माँ भगवान ने अग्निवास नहीं कराया, माँ को भगवान ने अपने में आत्मसात कर लिया। क्यों? राम जी अग्नि, चंद्रमा, सूर्य और शीतलता यानी हिम, इनके कारण है। बंदौ नाम कौन? नाम राम रघुबर को, हे तु कृसानु भानु हिम कर को। अग्नि के कारण भगवान है, सूर्य के कारण भगवान है, चंद्रमा के कारण भगवान है, तो भगवान ने माँ कहाँ रखा? अग्नि में रखा। अग्नि में रखा इसका मतलब भगवान ने अपने में रखा माँ को, जी बहुत बढ़िया। है ना? तो अपने में रख लिया तो कैसे रावण ले गया? रावण फोटो ले गया माता का। कोई फोटो ले जाए तो उसमें हम क्या करें, दौड़ावे उसको कि हमारे फोटो क्यों ले जा रहे हो, ले जाओ खींच लो फोटो, कैमरे में खींच लेते हैं। तो उसी पर से श्री सीताराम जी, भवानी शंकर जी, अरे देखिए बाबा के लिए माँ के लिए लिखा, सहस नाम सम सुन शिव बानी। मेरे बाबा ने माँ से कहा कि मुझे कुबेर जी के यहाँ मीटिंग बना है, आप हमको भोजन दे दो भगवान को भोग लगा के। तो माता पति जी बोली कि बाबा आप तो पूजने में रहते हो, हमारा अभी पूजा और माला जब हमारी अभी शेष रह गई है, तो मैं अभी जप पूरा नहीं क्यों? तो कहे आप कौन पूजा करती हैं, कौन जप करती हैं, बताएं, मैं तो इनका जप करती हूँ। तो बोले हमारे भगवान का आप 10 नाम ले लो, आपके भगवान का 10,000 नाम पूरा हो जाएगा। वही वो श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे राम नो रमे सहस्त्र राम तत्तुल्य राम नाम वरानने, जो गीता प्रश्न पल गया है। अब बाबा क्या कहते हैं माँ से, ये बोले ना, सहस नाम सम, विष्णु सहस्त्र नाम के सम मने बराबर, सोनी शिवानी सहस्त्र नाम पाठ करने के बराबर एक मेरे राम जी का नाम है, जपी जेई पिय संग भवानी। माने खट से 10 बार जपा और जपी जेई जेई मैंने खाई, जिमल हो जिमल माई जिम ली। अब परिणाम क्या हुआ? हरे हे तू हेरी हर ही को, भगवान शिव इतने गदगद हो गए कि भूषणती को, जो स्त्रियों की, माताओं सौंदर्य की जननी है,
माँ भगवती, उनको भगवान शिव ने अपने वामांग में पधरा लिया। वामांगे च विभाते भूधर सुधा देवा पगा के भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्य रसी व्यालराट। ये श्लोक है अयोध्या कांड का प्रथम श्लोक। पति पत्नी, क्या पति पत्नी? कुछ नहीं, पति पत्नी, पति पत्नी एक ही काई है। जल दीदी का जो है आज प्रश्न का विस्तार, हमको लगता है बहुत सारे लोगों के संशय दूर हो गए होंगे। दूर ना होगा तो दुखी होंगे। पति पत्नी दो ही काई जो मानेगा बहुत दुखा।